आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसमें से पहला ये है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये दिया गया है कि विकल्पों में संबंधित संख्याओं को चुनना है। इसमें 3 का संबंध अगर 30 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब आइए इसको पता करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो ट्रिक लगाते हैं वो ये रहता है कि आप कर देंगे 3 × 10 = 30। या आप जो 3 × 10 करते हैं और 30 आ जाता है, तो ये तो आपका सही क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद हमें जब 7 का करना है तो हम 7 के लिए भी इसी तरह करेंगे। जैसे 7 × 10 = 70। तो अब हम ये देखेंगे क्या इन चारों ऑप्शन में से 70 है हमारे पास। नहीं, तो ये तरीका जो है हमारा वो सही बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके लिए हमारा सही तरीका कैसे है, जब ये दोनों मैच करे, ये जो मैच कर रहा है उसके बाद जब ये हमारे पास नहीं है तो ये गलत है। दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका कैसे है उसमें देखते हैं। ये जो 3 है यहाँ पे हम लोग 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है। यानी 3 × 3 × 3 = 27। यहाँ पे ये 27 आ गया। 27 के बाद हम इसमें 27 + 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। 30 तो यहाँ पे हमारा आ गया है। अब इसी तरीके से हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 का क्यूब कर देंगे, 7 × 7 × 7। ये यहाँ पे जब 7 ये करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 343। 343 आ गया अब हमारा पास। तो 343 में अगर हम 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे 7 है इसलिए 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 350 आ गया। अब हम इस 350 में देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे पास 350 है कि नहीं। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन पे 350 है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके पास ये दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आपको पहले में कुछ भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे वाले में आपको यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है, इसमें से आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये ज्ञात आप कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप इन तीनों चारों को जोड़ करके देखेंगे। इसके लिए हम ये देखेंगे 6 + 4 + 2 + 0, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 हो गया है। अब इसमें से हम, अब आप कहेंगे कि इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हमको 2 माइनस करना है तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। लेकिन अभी इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इसके साथ इसको भी देखना होगा कि यहाँ पे ये जो 24 आया है वो 24 सही है कि नहीं। अगर 24 सही होगा तो ही यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फिर इन चारों नंबर को आपस में जोड़ेंगे, 10 + 8 + 6 + 2, ये आएगा आपका 26। अब यहाँ पे 26 आया, अब इसमें से भी -2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। यानी यहाँ पे 10 आया तो ये भी सही है और ये 24 आया तो यहाँ पे भी सही है। जब इन दो, ये दोनों सही है तब जा करके हम तीसरा वाला करेंगे। तीसरा वाला भी इसी तरीके से करेंगे, 12 + 10 = 4, ये आपका आ जाएगा 40। अब 40 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। अब ये देखेंगे हम कि 38 कौन से ऑप्शन में है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 38 हमारे सी ऑप्शन में है तो ये सी ऑप्शन सही हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD बैड को 7 लिखा जाता है तथा
SAP SAP को 9 लिखा जाता है, इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैड को हम यहाँ लिख लेंगे, फिर अल्फाबेटिकल हम चलते हैं, तो B आपका दूसरे स्थान पे, A आपका पहले स्थान पे और D आपका चौथे स्थान पे होगा। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो ये हमारा मैच कर गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे SAP SAP को भी लिखेंगे, SAP को भी लिखेंगे, तो ये S जो है वो हमारा 19वें स्थान पे आता है, A पहले स्थान पे आता है और ये P 16वें स्थान पे आता है। जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। अब आप कहेंगे कि SAP SAP को 9 लिखा गया है और यहाँ पे हमारे पास 36 आया है, तो इस टाइप से नहीं हम करते हैं। जब ये दो संख्याएं आती हैं तो इसमें हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी 3 और 6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 9 आएगा, यानी एक ही संख्या हमें चाहिए और एक संख्या हमारे पास 9 आ गया है, तो SAP SAP को 9 लिखा जाता है, यानी ये बैड और SAP ये दोनों ही हमारा सही आ गया। तो उसी तरह से हम ये BAN को भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे BAN बैन, और उसके बाद ये देखेंगे कि ये कितने स्थान पे आ रहा है, तो ये दूसरे स्थान पे B आता है, एक जो है A जो है वो पहले स्थान पे आता है और N जो है वो 14वें स्थान पे आता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 17। जब ये 17 आएगा तो ठीक इसी तरीके से हम इसे करेंगे, 1 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो ये आएगा 8। अब हम 8, ये जब ये आंसर आ गया है तो अब हम देखेंगे कि ये 8 इसमें से किस में है, तो ये A में है, तो A आपका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा वो दिया हुआ है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, इसमें आपको दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का वेन आरेख बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली ये करना है कि आपको ये देखना है कि दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली आपका भारत का राजधानी है, ठीक है, और श्रीलंका भारत से अलग है, और एशिया में ही ये श्रीलंका और दिल्ली दोनों आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एशिया जिसमें कि दोनों आते हैं, श्रीलंका और दिल्ली, ये एशिया का हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही दोनों आते हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो एक अलग जगह है और श्रीलंका दिल्ली से बिल्कुल ही अलग है, यानी वो अलग बनेगा, तो इस तरीके का वेन आरेख बनेगा। और इस तरीके का वेन आरेख बनेगा तो हम देखते हैं कौन से ये ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बी वाले में दिया गया है। और आपको ये बता दें कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, इस टाइप के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, यानी रोहित आप खुद को भी मान सकते हैं, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी आपके पिता की पत्नी यानी आपकी माता जी के पुत्र, यानी रोहित खुद यानी आप खुद की पुत्री यानी आपकी बेटी की बहन है, यानी पुत्री की यानी आपकी बेटी की बहन तो आपकी पुत्री ही हुई, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे पुत्री दिया हुआ है, ये पुत्री आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र, यानी आपकी माता जी के पुत्र के बारे में बताया गया है, तो पुत्र आप भी हो सकते हैं और आपका भाई भी हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे लिखा होता पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री तो यहाँ पे होता कि आपकी ही पुत्री, लेकिन यहाँ पे
पत्नी के पुत्र के बारे में दिया गया है, यानी सिर्फ आपके पुत्र के बारे में बात नहीं किया गया है, यहाँ पे आपके भाई की पुत्री भी हो सकती है। तो अगर आपके भाई की पुत्री होगी तो देखते हैं भाई की पुत्री की बहन, तो वो आपके भाई की पुत्री ही हुई, तो आपकी वो क्या लगेगी, रोहित से वो किस प्रकार संबंधित है, तो रोहित से वो भतीजी के रूप में संबंधित है। लेकिन यहाँ पे एक मात्र भी नहीं दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है के पुत्र, यानी आप भी हो सकते हैं और आपके भाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है पुत्री अथवा बहन, अगर वहाँ पे आप होंगे तो आपकी पुत्री, अगर वहाँ पे आपके भाई होंगे तो भतीजी, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन में हम लोग पुत्री अथवा बहन, पुत्री अथवा भतीजी पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है।